नमस्कार दोस्तों, रियलमी ने यहाँ पे एक नया इंटरमीडिएट बजट वाला फ़ोन या एंट्री लेवल बजट वाला फ़ोन मार्केट में रिलीज़ किया है। इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। रियलमी C25Y ऐसा इसका नाम है। देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे निकल के आई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन जिस तरीके से नीचे देख पा रहे हो, क्या स्पेसिफिकेशन है तो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ इंटरमीडिएट फ़ोन जहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5000 mAh का बैटरी जो है वो आपको 48 डेज का स्टैंडर्ड टाइम दे सकता है। उसके बाद में आपको 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है। रियलमी सिर्फ रेडमी को फॉलो करने का काम करता है। रेडमी ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा निकाला, तो यहाँ पे इन्होंने भी 50 मेगापिक्सल के 10 फोन निकालना चालू कर दिया है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है आपको। 18 वाट का क्विक चार्ज भी देखने को मिल रहा है। इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है बैक साइड में, उसी के साथ में सुपर पावर सेविंग मोड भी यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं मेमोरी कार्ड के स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको थर्ड एक्स्ट्रा जो स्लॉट है वो भी दिख रहा है। जिस तरीके से आपको थर्ड स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए दिया गया है, जो एक्सपेंडेबल रहेगा 256 GB के मेमोरी कार्ड तक। ठीक है, लार्जर साइज रहेगा इसका, 6.5 इंच का लार्ज साइज आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले का। दिस इज नॉट एन एमोलेड डिस्प्ले, दिस इज अ नॉर्मल IPS पैनल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करेंगे सबसे बड़े USP की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं देखने को मिल रहा है, MediaTek का नहीं देखने को मिल रहा है, Exynos का प्रोसेसर नहीं देखने को मिल रहा है। दिस इज यूनिसॉक T610 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अभी यूनिसॉक का T600 का जो सीरीज़ है वो स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज़ के जैसा काम करता है या स्नैपड्रैगन के 400 के सीरीज़ जैसा काम करता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर ये प्रोसेसर जो है, दिस विल बी गोइंग टू बी अ एंट्री लेवल प्रोसेसर फॉर श्योर। ठीक है, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे हम देख पाएंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रियलमी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। बहुत पीछे का साइड मुझे इसका पसंद आया एक्चुअली। आप देख पा रहे हो यहाँ पे थिन कर्व लाइंस आपको देखने को मिलते हैं, जो ऊपर से नीचे तक फ्लो हो रहे हैं, एंड इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लोइंग डिज़ाइन जो आपको देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा का एरे दिख रहा है, जहाँ पे एक जगह पे आपको फ्लैशलाइट दिख रहा है और बाकी तीन जगह पे आपको कैमरास देखने को मिले, जैसे 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा। ठीक है, आप नीचे रियलमी का बैजिंग देख पा रहे हो और वहाँ के उसके बाजू में स्पीकर का पोजीशन दिया गया है। स्पीकर का पोजीशन थोड़ा ऑड लगा मुझे, बिकॉज स्पीकर ऐसी जगह पे दिया गया है जहाँ पे वो मफल आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो इसका फ्रंट प्रोफाइल किस तरीके से दिखता है। आपको ड्यू ड्रॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चिन का साइज़ भी थोड़ा नीचे की साइड में थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन नंदलेस यहाँ पे रियलमी ने कुछ अलग अलग चीज़ें देने का कोशिश तो किया है, जैसे आप देख पा रहे हो। और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फ़ोन रियलमी को मार्केट में। इसमें अगर आप ऐसा कुछ अलग चिपसेट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आइडियली यू शुड बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस ब्रैकेट ड्रॉप देखना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और आइडियली यहाँ पे रियलमी 11-11.5 हज़ार का प्राइस ब्रैकेट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये रियलमी का C25Y यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये देख सकते हो फ़ोन, अगर आपका 10-11 हज़ार का बजट है तो। बट अगर आप मुझे पूछोगे 10-11 हज़ार के बीच में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं, सो प्लीज़ डू चेक आउट अदर फोन्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स एज वेल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर अपडेट्स ऑन अ डेली बेसिस ऑन टेक विश्व। बाय बाय नाउ।